bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum. पेट शॉप में चिड़िया उतार रहा था कि तभी दूसरी तरफ वो दिख गई. मैंने उसे देखा तो शर्मा के स्माइल कर दिया. फिर उसने मेरी तरफ देखा और शर्मा के स्माइल कर दिया. फिर पता आगे क्या हुआ? क्या? उसने मेरी तरफ देखा और शर्मा के ना. शर्मा जी गाड़ी आगे दौड़ाइए. उसके बाद तूने उसे कॉफी के लिए पूछा. पूछा तो उसी ने. पता है उसने और क्या कहा? कि मेरा हेयर स्टाइल बड़ा क्यूट है. तू किसी अंधी के साथ कॉफी पीने गया था क्या? और फिर भैया, फिर आप मिले उससे? 3 बार. पता नहीं भैया, उस लड़की को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि यही. आप उसको लेके सीरियस हो भैया? कुछ दिन पहले तक तो तू किसी और के लिए सीरियस था. मोनू, मैं आदमी बड़े सीरियस टाइप का हूँ, समझा? सुमित, जरा यहाँ आना अपनी कॉफी लेके. संभाल के. चुप कैसे हो गया? भैया को टोक क्यों रहे हो? अभी ये बेपेंदी का लोटा सिमरन के पास वापस क्यों नहीं जाता? चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर देखो ना कितने खुश है भैया. हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. तो भैया, आप नगीना को घर कब लेके आ रहे हैं मिलवाने? कैसे मिलवाऊं? घर लेके आऊंगा ना तो मम्मी जी पापा जी उसे नजर लगा देंगे हर बार की तरह. यही तो तू गलती कर रहा है. मम्मी जी से फौरन मिलवा दे, और अगर उसके बाद भी बंदी चिल्लाते हो भागी नहीं तो समझ ले बंदी में दम है. भैया, इस सैटरडे को मम्मी जी पापा जी शादी के लिए जा रहे, तब लेके आइए नगीना को. पक्का वो लोग घर पे नहीं होंगे? बिल्कुल, आप उसे ले आइए, मैं डिनर बनाऊंगी. और माया का खाना खाने के बाद भी अगर वो चिल्लाते हो भागी नहीं तो बंदी में डेफिनेटली दम है. ठीक है, तो सैटरडे को डिनर डन. ओके. सेफ्टी के लिए ना मैं नगीना को घर के पीछे वाले दरवाजे से ऊपर ले आऊंगा. इतना ही डरता है तो उसे हेलीकॉप्टर में ले आना, ऊपर से फेंक दियो, मैं छत पे कैच कर लूंगा. उड़ा ले, उड़ा ले मजाक. तेरे लिए कहना तो आसान है ना, क्योंकि तुझे तो तेरी लैला मिल गई. क्या समझेगा दूसरों का दर्द? शायद मेरे लिए आखिरी मौका है. आदमी सच में ये सीरियस टाइप का है. वैसे नगीना, भैया कह रहे थे कि तुम डिजाइनर भी हो. हाँ, मेरा स्टोर है ना हाउस खास में. एक्चुअली नगीना को ना पैंट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है. वो मुझे ना डिजाइनर लुंगीज बनाने का बहुत शौक है. मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों पे ना पैंट से ज्यादा ये लुंगीज अच्छी लगती, बहुत बहुत फैशनेबल लगती है. इंटरेस्टिंग. हमारे पापा जी को ना पतलून पहनने से सख्त नफरत है. आप दोनों की बहुत बनने वाली है. वेल, मुझे रजिश ने वादा किया है कि जैसे ही मम्मी पापा कनाडा से आएंगे वो मुझे मिलवाएगा. तुम्हारा मतलब गुड़गांव? हाँ, वही हुआ ना माया, मेहरौली, गुड़गांव, एयरपोर्ट, फिर कनाडा. Well, माया, मुझे ये लेमन चिकन बहुत पसंद आया. थैंक्स. मुझे तुम बहुत बहुत पसंद आई. और मुझे भी. मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ. मुझे तो इस मिठास से डायबिटीज हो जाएगी. और माया, तुम्हारी कुकिंग का एक और फैन, एक छोटा सा प्यारा सा कीड़ा. I'm so sorry, नगीना. No, it's okay, don't worry. वैसे भी तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा है. सुमित, जरा प्लेट्स लेके आ जाओ. मैं लेके आता हूँ ना. एक्चुअली मुझे ना घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है. साफ सफाई से लेके कढ़ाई बुनाई तक सब करता हूँ मैं. वो मैं थोड़ा सा होमली टाइप का मर्द हूँ ना. परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल. मैं भी माया की मदद कर देता हूँ, वरना वो मेरी खाट खड़ी कर देगी. परफेक्ट वाइफ मटेरियल. हाँ, एक और कीड़ा. तुम तो एकदम चंपू शिकारी की तरह. मैं ठिकाने लगा दूँ? नहीं, मैं ठिकाने, अब मेरा मतलब है मैं फेंक दूंगी ना. पक्का? हाँ, पक्का. तो
है ना बिल्कुल टिप टॉप। मुझे तो लगा था इस लड़की की मूछे मूछे होंगी क्योंकि तुझे लाइक करती है। तो काफी क्यूट निकली है यार। ग्रेट चॉइस भैया, ग्रेट चॉइस। अच्छा सुमित, ये बोल्स लेके जाओ। चलो आइसक्रीम खाते हैं। जसबीर जी मेरा दिमाग मत गरम करो। हेलो क्या चल रहा है? हेलो माया और सुमित के नए पड़ोसी हो आप। शादी से इतनी जल्दी कैसे आ गए? इन्होंने शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया। अबे डॉली, चौधरी की औलाद को पूरे 500 रुपए की घड़ी दे रहा था मैं शगन में, और वो बदले में क्या दे रहा था? वेजिटेरियन खाना। मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ जो गुड़गांव जाऊंगा, 500 रुपए दूंगा और सिर्फ गोभी मंचूरियन खा के घर वापस आ जाऊंगा। अब वेजिटेरियन खाना मिला तो दूल्हे को धरोगे? फेरे रुकवाने जा रहे थे। मैंने है ना घड़ी निकाल के खाली डब्बा दे दिया शगन में, वरना चौधरी की औलाद को उल्टे फेरे लगवाता मैं। माया ये घड़ी तू रख, कम से कम तुझे समय का हिसाब तो रहेगा। हेलो हाय, मैं डॉली, तुम? ये मेरी दोस्त है नगीना। नगीना? अबे तुम इस नगीने को ऐसे करके छुपा क्यों रहा? नहीं क्या पापा जी, आप लोग कनाडा से कब लौटे? कनाडा से? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसी हो? मोनू तूने बताया नहीं यहाँ पे पार्टी हो रही है। ओ, उन्हें कनाडा की हवा सूट नहीं करी ना तो। अबे मेरे सामने आइसक्रीम है, मुझे नहीं पता क्या अनाप शनाप बक रहा तू। खाओ खाओ। नहीं बेटा ये नहीं, डायरेक्ट तू हटना। बैठो बेटा बैठो। कैसी हो? माया लग गई। रिलैक्स भैया, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है ना सुमित? ऊपर वाला तेरी फिरकी ले रहा है सोनू। मैंने अभी जो देखा है ना, अगर मैं तुझे बताऊंगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्या बड़बड़ा रहा है? नगीना ने कीड़ा खाया। मतलब कीड़ा? तो बड़ा रेंग रहा था और उसने ये तो पहुंचा और घर तक गई। प्रॉब्लम क्या है तेरी? मम्मी जी की कसम मैंने उसे खुद देखा। सुमित तुमने कुछ कुछ और देखा होगा। अच्छा अब तुम मुझे ये भी बताओगे कि मैंने क्या देखा? वो पिस्ता खा रही होगी। पिस्ता की 8 टांगें नहीं होती। तुमने चरस भी रखी है क्या? मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। वाह क्या खूब मदद कर रहा है तू मेरी। मैं वही कर रहा हूँ जो भाई को भाई के लिए करना चाहिए। अगर कल को तुम माया को कीड़ा खाते हो देखता है तो तू मुझे बताएगा ना? बस सुमित मैं अच्छी तरह समझ गया तू क्यों क्या कहना चाह रहा है। यही ना कि सोनू को इतनी क्यूट और स्मार्ट लड़की कैसे मिल गई? जरूर उसकी मूछें होंगी, नहीं तो वो अंधी होगी या फिर उसका दिमाग खराब होगा। अगर ये नहीं तो जरूर कीड़ा तो खाती होगी। तुझसे मेरी खुशी ना देखी नहीं जाती। मेरे भाई कीड़ा। तू चुप। सुमित सच में बहुत फनी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन इसे ना मेरे सारे जोक्स नॉनवेज ही लगते हैं। अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि आजकल वेजिटेरियन जोक्स पे तीसरी क्लास का बच्चा भी नहीं हंसता। पापा जी मम्मी जी मुझे थाने जाना है काम पे। नगीना हमें चलना चाहिए। अरे सोनू इतनी जल्दी क्या है? हाँ भैया थोड़ी देर और रुकते तो। नहीं थैंक्स, सब कुछ बहुत अच्छा था जो तुमने किया।
चले नगीना। हाँ चलते हैं। थैंक यू माया, थैंक यू सो मच। बाय नगीना, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सुमित। ओके मैम जी। अच्छा नगीना। चले बाय। हो गया, आइसक्रीम खाओ। माया लड़की बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी है। सोनू को पसंद है? हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत पसंद आई। और पता है वो मेरे लेमन चिकन की बहुत तारीफ कर रही थी। मतलब गाय जैसी भोली है, कुछ भी खा लेगी। बहुत बढ़िया। अबे मोनू, ये गंजा होता सोसाइटी यहाँ पे क्या करने आया था? चाय पीने आए थे अजमानी जी। और पता है बाबा जी, वो मुझे RWA का नया जॉइंट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो दुश्मन के साथ मिलके बाप के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुश्मन? सबसे बड़ा दुश्मन। तेरे को पता है पिछले साल RWA की जर्नल की बॉडी की मीटिंग में मैंने एक प्रपोजल रखा था कि उस मीटिंग में चंदू हलवाई की बजाय पहलवान मिस्टर भंडार से समोसे मंगवाए जाएं। अच्छा। एक तो पहलवान समोसों के साथ छोले फ्री देता है, दूसरे मुंह मांगी इमली की चटनी। लेकिन इस अजमानी और उसके चेले चपाटों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अबे इमली की चटनी को लेकर आपने कितने लोगों के साथ दुश्मनी रखी है? अबे बोलू, चटनी तो वो तेरे भोलेपन की बना रहा है जिसमें वो अपने बदले के समोसे को डुबो रहा है। मतलब ये दिस इज द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द शकनी मामा द हरामखोर अजमानी। बाबा जी, अजमानी जी मुझे RWA का जॉइंट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं नौजवान हूं, बुद्धिमान हूं, छाने वाला हूं। अबे वो झूठ पे झूठ बोलकर तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। एक बार गिरेगा ना तो ना चना मिलेगा ना उसका छिलका। तू एकदम उनको ना कर दे कि मेरे को नहीं बनना जॉइंट सेक्रेटरी बाय द गॉड। पापा जी, ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को मैं होनहार लगूं? हाँ, अगर वो कुछ लोग तेरी मम्मी जी हो तो। अबे बाकी लोग तो तेरे को लल्लू लाली समझते हैं, उंगली करते रहते हैं। पापा जी, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना? अजमानी जी को है। अब तो मैं RWA का जॉइंट सेक्रेटरी बन के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब तू अपने बाप के हुक्म के खिलाफ जाएगा? जा ना, आपकी रियासत ग्राउंड फ्लोर पे खत्म होती है, फर्स्ट फ्लोर पे सुमित वाले का राज चलता है। सोच ले। सोच लिया तो ठीक है। आपका मुकाबला होने वाला है सबसे बड़े दिग्गज उम्मीदवार जसबीर दी वालिया दी ग्रेट से। तो यहां कचौड़ियों की और बोतलों की रिश्वत देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। अब समझ में आया कि आपको कभी कोई पार्टी पे आमंत्रित क्यों नहीं करता। ठीक है ठुल्ले, कान खोल कर सुन ले, इस इलेक्शन में आपका वोट मुझको ही पड़ेगा। क्यों? मैं अपना कीमती वोट ऐसे इलीगल आदमी को क्यों दूं? वोट ना सही, किराया तो दे दीजिए। मम्मी जी। क्या? देखिए ना, पापा मुझ पे क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं। अरे तेरे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेरा वोट पापा जी को ही जाना चाहिए। डॉली जी। जी। सीढ़ियों से गिरकर कहीं आपका सर तो नहीं फट गया? मेरी पत्नी मेरी ही साइड ले रही है, वो भी अपने बेटे मोनू के खिलाफ। क्या है ना, जॉइंट सेक्रेटरी की पत्नी होने का ना अलग ठाट होता है। आप जब इलेक्शन जीतोगे ना तो देखना, इस एरिया की सारी औरतों को मेरी सलामी ठोकनी होगी। माया 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 ना अपनी सास की बात अनदेखी कर सकती है, लेकिन जब जॉइंट सेक्रेटरी की बीवी उसे नोटिस भेजेगी ना कि उसके घर में मकड़ी के जाले ठीक से साफ नहीं हुए,
तब देखना पता चलेगा उसे कि इस एरिया में किसका हुक्म चलता है। श्रीमती जी, आपने तो मेरे इलेक्शन जीतने से पहले ही घोटाला शुरू कर दिया है। ओ मोनू, अरे बंद कर ये सब। मैं अपनी इलेक्शन स्पीच लिख रहा हूँ, अगर बंद कर दूंगा ना तो मीटिंग में मेरी चड्डी उतर जाएगी। अबे छोड़ ये इलेक्शन स्पीच, बाहर रहा, बच्चे गली में हम पे थूक रहे, कह रहे हैं कि देखो इस घर में बाप बेटे लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अच्छा हाँ, अब चल बंद कर ये तमाशा। बंद करता हूँ ये तमाशा, पापा जी से जाके कह दे कि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लें। अबे पापा जी खुले सांड है, और बाय गॉड तजुर्बे से कह रहा हूँ, सांड ना सिर्फ घाव देना जानते। कुछ समझाना समझना नहीं। तो तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ कि तू इलेक्शन से अपना नाम कटवा ले। ओए, मैं क्यों कटवाऊं? एक मिनट, पापा जी ने तुझे भेजा है ना, ये उनकी चाल है इलेक्शन जीतने की। तू मुझ पे शक कर रहा? हाँ, पापा जी ने तुझे कहा होगा, या तो घर का किराया भर या मोनू का पत्ता काट। बोल ना, बोल 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 बोल, यही कहा ना, यही कहा ना। हाँ। बस कर। अरे जब से पॉलिटिक्स ने इस घर में एंट्री ली है ना, तब से सबका दिमाग घूम गया। यादू पापा जी से लड़े जा रहा है, और वहां मम्मी माया के खिलाफ प्लानिंग करी जा रही है। अरे तेरे लिए इलेक्शन में खड़ा होना इतना जरूरी है कि तू हमारे घोसले को बर्बाद करने में तुला पड़ा है। बोल। इतना भड़क क्यों रहा है? अगर तुझे कुर्सी मिल भी गई ना, तब भी परिवार की खुशियों को तबाह करने की कील ना तुझे हमेशा चुभती रहेगी, याद रखियो। भाई तू ठीक कह रहा है, मैं ना इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लेता। ये इलेक्शन की वजह से ना हम कंधे पे हाथ, श्रीमान सुमित कुमार वालिया जी, आप ईमानदारी से चुनाव लड़े, राजनीति ना करें। आप मेरे बंधुआ वोट को अपनी तरफ छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ये गंदी चाल मैं चलने नहीं दूंगा। मेरे पापा जी, आप चुप करें हरामखोर। और ऐसे गिरे हुए द रास्कल, द पाखंडी, द दुराचारी के चुनावी झांसों में मत आए। अच्छा मैं भी देखता हूं कि आप सोनू का वोट कैसे लेंगे। दे दे, दे, दे बाप दे, के बाप है। अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपको अपनी चिता में आग लगाने के अधिकार से वंचित कर देंगे। वंचित? सोनू, तुझे बचपन में चुराए हुए हर चुंगम की कसम, वोट तू अपने भाई को ही देगा। अपने बाप को देगा। Bum 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 b